वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 9 कर रहे थे और चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ये सब जो है ना वो साइन थीटा कॉस थीटा बन सकता है। ठीक है, तो सभी को अपन साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन लिख सकते हैं ना, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं। और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया। फिर 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और sec थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतने के LCM लेंगे और इतने के LCM लेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करके। तो LCM लेंगे क्या आएगा, sin थीटा आएगा, तो sin थीटा LCM आ गया, sin थीटा डिवाइड बाय 1 sin थीटा, sin थीटा इनटू 1 क्या होगा sin थीटा, प्लस sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 इनटू cos थीटा क्या होगा cos थीटा, माइनस sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 इनटू 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब हम यहां एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 क्या होगा कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 होगा, 1 इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा, प्लस कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 होगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो होल डिवाइड बाई, यहां पे हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ना, अब देखो यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई में होगा तो देखो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल ए ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और इसको स्मॉल बी ले लेते हैं। तो देखो स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पे अगेन स्मॉल ए स्मॉल बी, तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए, तो ए किसको लिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर, बी यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, फॉर्मूला एक्सपेंड होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आगे लगा के कंटिन्यू करते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी यानी कि टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। और माइनस वन है तो माइनस वन ही रहेगा, अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 और माइनस 1 कैंसिल। क्लियर है ना, आप लोग इसे जगह 1 लिख लेना फिर कैंसिल कर देना, मैं ऐसे ही कैंसिल कर देता हूं क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा क्या 2। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर से अपॉन में दिया यानी कि फ्रैक्शन में दिया है, और बीच में प्लस माइनस है यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो
क्या हो जाएगा, नीचे का जो है वो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और ऊपर का क्या हो जाएगा, देखो यहां पे दो तरीके से बन सकते हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, या तो हम इसको a लेते हैं इसको b लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी, तो a का वैल्यू वन प्लस कॉस थीटा a प्लस बी, तो प्लस वन माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी हो गया। अब इंटू ए माइनस बी, तो a क्या है वन प्लस कॉस थीटा माइनस, देखो माइनस है सामने तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, b का वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा, तो इस तरीके से बनेगा। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन प्लस वन टू, इंटू यहां पे क्या होगा देखो वन प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन होगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा प्लस वन माइनस वन कैंसल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है दो बार कॉस थीटा, तो टू इंटू टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो टू टू जो फोर हो जाएगा, तो ये हो गया फोर कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लेता हूं और इंटू वन अपॉन साइन थीटा कर लेता हूं। देखो यहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा था नीचे में ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन थीटा और साइन थीटा पे, एक को कॉस के साथ रख दिया एक को अकेले रख दिया, ठीक है तो इसके आगे क्या हो जाएगा देखो फोर इंटू साइन बाई कॉस क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा, और वन बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आंसर, क्लियर है। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहां फिर से फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे, क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा फिर इंटू में साइन थीटा, डिवाइड करेंगे वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हमको लाना है टू कॉसेक थीटा, ठीक है फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हम ये बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू वन टू, टू इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक साथ लूंगा तो दोनों का वैल्यू वन हो जाएगा, दोनों का प्लस वन होता है, ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहां पे मैं ये दोनों को कंबाइन करके वन लिख दिया और फिर प्लस वन, या फिर एक काम करता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ, फिर प्लस वन फिर प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो वन प्लस वन क्या होगा टू हो जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो दोनों से टू कॉमन आ जाएगा ऊपर के, ठीक है न्यूमरेटर पार्ट से, तो टू कॉमन बचेगा क्या वन प्लस कॉस थीटा बचेगा ऊपर से, और नीचे में क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है तो 2 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, और 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आंसर जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है 2 कॉसेक थीटा, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो देखिए चैप्टर 9 का रहते हैं एक्सरसाइज 9.1, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है,
यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू, ये हमें दिया हुआ है रूट टू साइन थीटा, ये गिवन है, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू cos थीटा होगा, ठीक है, ये अपने को टू प्रूफ, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है वो हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि वो आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन, cos थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, जो माइनस इधर जाके प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहां से साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट टू प्लस वन बचेगा, क्लियर है। साइन थीटा को इस तरफ अकेले कर देते हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई में है रूट टू प्लस वन इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट टू प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉन में रूट वाला आ रहा है और प्लस माइनस हो रहा है, मतलब रैशनलाइज होगा, परिमेयकरण होगा, तो इसको परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रूट टू प्लस वन ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट टू का स्क्वायर क्या होगा टू और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा और वन का स्क्वायर वन इक्वल टू साइन थीटा, टू माइनस वन क्या होगा वन होगा, तो नीचे में वन लिखे ना लिखे एक ही मतलब है, ठीक है। तो क्या हो गया ये रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो कि सिद्ध करना था हमें, तो अरेंज कर देते हैं आप, ठीक है। रूट टू कॉस थीटा को एक तरफ, यानी कि रूट टू कॉस थीटा एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर जाके प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यही तो हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा, ठीक है। फर्क क्या है, बस इक्वल्स टू के उस तरफ वाला इस तरफ लिखा हूँ और इस तरफ वाले को उस तरफ लिखा हूँ, ठीक है। तो एक ही मतलब है, x इक्वल टू टू लिखो या टू इक्वल्स टू x लिखो, एक ही मतलब है, समझ में आया। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए हमें, दिया है कि लेट x इक्वल टू a cos थीटा दिया है, y इक्वल टू b cot थीटा दिया है, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो देखिए x के जगह a cos थीटा रख देते हैं, तो x का स्क्वायर दिया है, यानी कि a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a cos थीटा का होल स्क्वायर x स्क्वायर दिया है, तो y का वैल्यू रख देते हैं, तो b cot थीटा, y का स्क्वायर दिया है तो b cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, तो ठीक है। ब्रैकेट में जो स्क्वायर है ओपन कर देते हैं, तो दोनों के साथ ओपन हो जाएगा a स्क्वायर, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1, जो कि राइट हैंड साइड में दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है r साइन a cos c, y का वैल्यू दिया है r साइन a sin c, z का वैल्यू दिया है r cos a, तो हमें ये प्रूफ करना है कि r स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के, ठीक है। तो ठीक है, हम इसमें राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने को x y z का वैल्यू पता है, और प्रूफ करेंगे कि r स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बाई आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है r साइन a cos c का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या है r साइन a sin c का होल स्क्वायर, क्लियर है। और लास्ट में प्लस z स्क्वायर, तो r cos a का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये हम लिख लिए। अब देखिए वैल्यू रख दिए, अब सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखो सभी टर्म्स से आर स्क्वायर जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा ठीक है। फिर देखो आर स्क्वायर तो सबसे कॉमन आया हुआ है, ये दोनों टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो साइन स्क्वायर ए दोनों से कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म से खाली लेंगे साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर में कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है ना। अब देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, देखो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी क्या होगा वन हो जाएगा, देखो दोनों का थीटा एंगल बराबर है सी और सी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो ये हो गया वन फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहां अगेन साइन स्क्वायर थीटा और वन मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, तो ये हो गया वन, तो आर स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वही है जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था, तो हम यहां पे लिख देंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है अतः सिद्ध हुआ, क्लियर है हेंस प्रूफ्ड, हम ये लिख देंगे। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। अगर ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा क्लास 10th वालों के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।